हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो ऑफ चैप्टर वन पार्ट टू। एंड इन अर्लियर पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेंशन ऑफ इंजन एंड रोडवेज, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एयरवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज। Beta, railways are the most preferred means of transport for traveling long distances comfortably and at a low fare. Railway एक ऐसा means of transport है जिसमें हम दूर का सफ़र भी कर सकते हैं और जो fare होता है, किराया होता है, वो भी ज़्यादा नहीं होता है। और even हम अपने जो सामान है, जो goods है, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह दूर हम भेज सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी भेज सकते हैं। Earlier, trains used to run on steam engine, but the invention of diesel engine and then electric engine revolutionized railways. Almost all countries of the world have railway network. बेटा अब बात करते हैं कुछ important rail lines world की। तो सबसे पहले ये साइकिन टनल जो जापान में रन करती है, इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट अंडरसी रेल टनल इन द वर्ल्ड। उसके बाद है आपका चैनल टनल, ये भी आपका अंडरसी टनल है जो किसको कनेक्ट करता है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कनेक्ट करता है। फिर आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड और इट इज़ ओवर 9,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड रन्स फ्रॉम मॉस्को इन यूरोपियन रशिया टू व्लादिवोस्टोक इन एशियन रशिया। इट टेक्स 7 days टू कवर दिस डिस्टेंस, 7 days लगते हैं इतनी दूरी को तय करने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे को। फोर्थ है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ये आपका एक एंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट में लगभग रन करती है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे आपके यूएसए में भी है, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में भी है। कुछ ऐसे भी ट्रेन्स हैं बेटा जो बहुत हाई स्पीड है जिनकी, जैसे चाइना में मैगलेव और जापान में बुलेट ट्रेन है और फ्रांस में आपकी TGV है जो कि हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। और दीज ट्रेन्स रन विद एन एवरेज स्पीड ऑफ ओवर 250 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं बेटा इंडिया के ट्रेन्स की। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853, जो फर्स्ट ट्रेन थी वो आपकी मुंबई और थाने के बीच चली थी 1853 में। और आजकल बात करें जो इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क है वो फोर्थ लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में यूएसए, रशिया और चाइना के बाद आपका इंडिया है जिसका रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है। और हमारे इंडिया में कुछ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और कुछ काफ़ी लग्जरी ट्रेन्स भी हैं, पैलेस ऑन व्हील्स, फेरी क्वींस एंड गोल्डन चैरियट। और एक ऐसी ट्रेन भी है जिसको मोबाइल हॉस्पिटल कहा जाता है, जो कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ उसमें सारी होती है, उस ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। बेटा इंडिया के कुछ मेजर सिटीज़ हैं लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोची, चेन्नई, जयपुर और बेंगलुरु, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स भी हैं। और जो मुंबई और कोलकाता है यहाँ पर एक लोकल ट्रेन्स का भी यहाँ पर नेटवर्क है। अब बात करते हैं बेटा वाटरवेज की। जो वाटरवेज होते हैं आपका स्लोएस्ट होता है और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। शुरू में लोगों ने राफ्ट्स का यूज़ करना शुरू किया था रिवर्स और लेक्स को क्रॉस करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर राफ्ट्स की जगह पर बोट्स आ गई, बोट्स का यूज़ होने लगा और फिर स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद शिप्स आ गई। और फिर शिप्स से क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वाटरवेज वो आना जाना करने लगे। और भी बड़ी बड़ी शिप्स बनाई गई जिसके थ्रू जो सामान है उसको भी लाना ले जाना किया जाता है, ऐसी शिप्स को कार्गो शिप्स कहते हैं, जिसमें बहुत भारी भारी सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी भेजा जाता है। बेटा पेट्रोलियम को भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स में भरकर वाटरवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ये सबसे चीप होता है, सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए कोई रोड नहीं बनाना पड़ता और कोई रेलवे लाइन नहीं बिछानी पड़ती, इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसमें बस क्या चाहिए वाटरवेज को अच्छे से यूज़ करने के लिए, क्या चाहिए? बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स चाहिए जहाँ पर सामान को उतारा जा सके, चढ़ाया जा सके। जो हमारे इंडिया में मुंबई पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है। बेटा कई बार
जो ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू वाटरवेज वो आपको विद इन अ कंट्री करना पड़ता है, तो इसके लिए कई बार इसके लिए हम रिवर्स और लेक्स का यूज़ करते हैं। और जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं इस तरीके से इंडिया के अंदर का सॉरी कंट्री के अंदर ही, तो उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। जैसे हमारी रिवर्स हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनको हम सामान लाने ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। चाइना में वैंगो को यूज़ करते हैं, यूरोप में दानूबे को, और अफ्रीका में नाइल और कॉन्गो रिवर को एज अ इनलैंड वाटरवेज यूज़ किया जाता है। बेटा अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी एंड ओशियन रूट्स की। जो द फर्स्ट द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट कनेक्ट्स ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका टू वेस्टर्न यूरोप एंड इट इज़ द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड। उसके बाद है आपका स्वेज कैनल जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ थ्रू इजिप्ट एंड इट वॉज ओपनड इन 1869। और इसी कैनल के थ्रू जो शिप्स हैं उनको पूरे अफ्रीका के चारों ट्रैवल करके नहीं आना पड़ता अगर उनको एशिया से यूरोप अगर जाना है तो जो स्वेज कैनल है वो डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को कनेक्ट करती है। फिर आपका पनामा कैनल जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से एंड इट वाज ओपन इन 1914। और इस कैनल के थ्रू जो शिप्स हैं उनको पूरे साउथ अमेरिका के को ट्रैवल करते हुए नहीं आना पड़ता, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन तक। अब बात करते हैं बेटे एयरवेज की। जो एयरवेज है ये आपका लेटेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, और ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है। जो एरोप्लेन है इट वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स इन 1903 में, और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो एरोप्लेन्स थे वो बेटर से बेटर होते चले गए और काफ़ी एडवांस हो गए। आजकल बात करें तो जो काफ़ी फास्ट स्पीड वाले एरोप्लेन्स हैं, जो मॉडर्न एरोप्लेन्स हैं, वो सी लेवल से 11 किलोमीटर ऊपर तक सी लेवल के वो फ्लाई करते हैं, और जिनकी स्पीड होती है 1000 किलोमीटर। अब कुछ ऐसे भी एरोप्लेन्स हैं बेटा जैसे बोइंग 747 और एयरबस A380। ये एरोप्लेन्स नियर अबाउट 400 पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं। और इंडिया के पास भी ऐसा डेवलप्ड एरोप्लेन है जंबो कार्गो प्लेन हरकुलिस, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को, गुड्स को और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और अब अगर आज बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जितनी भी लगभग कंट्रीज़ हैं, सभी एक दूसरे वो कंट्रीज़ जो हैं आपस में थ्रू एयर रूट्स के थ्रू वो कनेक्टेड हैं। एरोप्लेन्स को बेटा बस एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सभी में मेजर सिटीज़ के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है यहाँ पर जो एयरवेज़ का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आना जाना करती हैं। वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, मॉन्ट्रियल, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एक्सेट्रा। इवन न्यू दिल्ली, हांगकॉन्ग एंड टोक्यो आर ऑल्सो अ बिजी एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं वर्ल्ड की लाइक अमेरिकन एयरवेज, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट, सिंगापुर एयरलाइंस, क्विंटास एयरलाइंस, ये सभी आपकी क्या हैं, ये वर्ल्ड की आपकी इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं। और बेटा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एयर इंडिया है जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड एयरलाइन है, और इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं जो इंडिया में चलती हैं लाइक जेट एयरवेज, इंडिगो, एशियन एक्सेट्रा, ये भी आपकी फेमस है, काफ़ी फेमस है। तो आज के लिए बस इतना ही, दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।